एमपी के बुरहानपुर जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर निबोला थाना क्षेत्र में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से वहां पर रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग को बुझाने का काम जोरों पर शुरू हुआ। निबोला थाना क्षेत्र में है, बीची मिल स्थित है, जहां पर वहीं फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। क्या जब कैसे क्या पता चला आपको? वो हम तो हायरिंग कर रहे थे, एकदम अचानक आग लग रही अंदर। तो हम भागते अंदर गए, अंदर गए तो कपड़ा जल रहा था पूरा। अच्छा। फिर हमने बॉयलर की लकड़े वकड़े खींचे, बॉयलर बंद करे, फिर वहां से निकले। ऐसा बोले कि कुछ मजदूर भी फंस गए, सबको निकाले फिर आप लोग? हाँ, निकल गए, हम निकाल लिए। ट्रैक्टर का पीछे का ट्रैक्टर निकाल लिए, भूसा जल रहा था, भूसा बुझा दिया। कितने लोग काम कर रहे थे उस वक्त फैक्ट्री में? हमारे समझ लो 21 आदमी का हमारे पार्लर के थे। आग लगी हो, क्या नुकसान का आकलन किया आपने? देखिए, कारण और नुकसान दोनों का आकलन चल रहा है अभी। अभी कुछ भी कह देना कि भाई कारण से आग लगी है, अवलोकन इतना है, वो अभी कुछ भी नहीं बता सकते। अभी वो सब काम चल रहा है अंदर, किस कारण से लगी और कितना नुकसान हुआ। कितना माल था अंदर, तैयार माल कितना था, कच्चा माल कितना? वो सब अवलोकन उसके हिसाब से होगा ना। अभी कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए।